कंस्ट्रक्शन संबंधी लेबर को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम एवं रोजगार विभाग के साथ बैठक करके ये फैसला किया है कि अब कंस्ट्रक्शन संबंधी लेबर के हरियाणा में वापस आने पर करीब 2 महीने तक 1500 रुपए प्रति लेबर दिया जाएगा। मजदूर देश की रीढ़ है, मजदूरों के बिना इस देश की नींव मजबूत नहीं हो सकती। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा। इस सिस्टम से थका हारा मजदूर अपने गांव, अपने परिवार के पास पहुंच चुका है और अब किसी भी काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। एक ऐसा सेक्टर जो मजदूरों पर पूरी तरह से डिपेंड है, उसे खुद की फिक्र सताने लगी है। कंस्ट्रक्शन के लिए कई फर्म को मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिससे न केवल फर्म को मदद मिलेगी बल्कि आर्थिक तौर पर मजदूरों का भी फायदा होगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर रजिस्टर्ड है, वो वापस हरियाणा में अपने एम्प्लॉयज को लाना चाहते हैं तो बोर्ड की ओर से 1500 रुपया प्रति वर्कर की हम मदद करेंगे इन कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड साइट्स को कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को दोबारा रीस्टार्ट कर पाए अगले 2 महीने। जी हाँ, सरकार प्रति मजदूर 1500 रुपए आर्थिक मदद करेगी, लेकिन इसमें कई शर्तें भी लागू है। अगर कोई रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म बाहरी राज्यों से मजदूर लाना चाहती है तो हरियाणा सरकार 1500 रुपए हर मजदूर को देगी, लेकिन इसके लिए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन फर्म को अपने क्षेत्र के जिला उपायुक्त को आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है जिसके तहत मजदूरों के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी। प्रदेश में अंतर जिला यात्रा करने के लिए रोडवेज की तरफ से मंत्री पास बनाने की सिफारिश की है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव रोडवेज की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रोडवेज विभाग के साथ भी टाइप करेंगे कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मूवमेंट है, जैसे पहले स्टूडेंट को पासेस दिए जाते हैं, अगर रोडवेज विभाग उसको अप्रूव करता है तो वेलफेयर बोर्ड की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आने वाले एम्प्लॉयज का भी बोर्ड के सहयोग के साथ शेयरिंग बेसिस पर हम मंथली पास बनाने का भी काम कर रहे हैं। बहरहाल अब उम्मीद है कि हरियाणा में मजदूरों की कमी खत्म होगी और सरकार के इस फैसले पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ही नहीं बल्कि मजदूरों को फायदा होगा। रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही सरकार से आर्थिक मदद भी मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को जरूर फायदा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन विषम परिस्थितियों में अपने घर पहुंची लेबर ऐसी स्थिति में क्या वापस काम पर लौटना चाहती है, यह भी एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है।